हेलो फ्रेंड्स, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सत्तू पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि मैं अपने घर में बनाती हूँ। सत्तू पराठा बनाने के लिए 2 बड़ा चम्मच सत्तू लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, 5 हरी मिर्च, 6 कली लहसुन की, 1/2 इंच अदरक और थोड़ी सी धनिया पत्ती और 1/2 नींबू का रस। नींबू हटाकर ये सारी चीज़ें सत्तू में डाल देंगे। अब स्वादानुसार नमक, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अचार का मसाला, 1 चम्मच सरसों तेल, 1/2 नींबू का रस डालेंगे। इसमें अजवाइन और कलौंजी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मसाला तैयार है। ये देखिए, मुठलियाँ जैसी बन रही है। मसाला बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर ये भुरभुरा है तो 1 छोटा चम्मच पानी डालकर फिर से इसे मिला लें। मसाला रेडी है। अब पराठे के लिए आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए 4 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा लेंगे। 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे की 1 समान लोई काट लेंगे। 1 लोई लेंगे, इसे बीच से दबाते हुए 1 कटोरी का शेप देंगे। इसका तली का हिस्सा मोटा होगा और ऊपर थोड़ा पतला होगा, जिससे मसाला भरने से वो नीचे से फटेगा नहीं। अब इसमें 1 चम्मच मसाला डालेंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बंद हुआ है। मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छे से गोल करेंगे, फिर बीच से दबाएंगे और उसे गोल गोल घुमाकर अच्छे से 1 कटोरी का शेप देंगे। अब मसाला डालेंगे, बीच से दबाकर गोल गोल घुमाकर इसे अच्छे से बंद कर देंगे। इसी तरह सारे आटों में मैं मसाले भरकर तैयार कर लूँगी। लोई में सूखा आटा लगाकर इसका पराठा बेल लेंगे। ये देखिए तवा गर्म हो चुका है। अब इसमें पराठे डाल देंगे। पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे। अब इसमें आप घी, रिफाइन या सरसों तेल, आपकी जो इच्छा है आप उसे लगाकर सेक सकते हैं। इसे दोनों तरफ से अच्छे से लगाना है। ये देखिए एकदम फूली फूले पराठे तैयार हो गए। ये अच्छे से बन चुका है। मैं एक और बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी फूले फूले एकदम पराठे बने हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सारे पराठे बनाकर हम रेडी कर लेंगे। ये पराठा आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं। इसमें सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पराठा हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।